कोरोना वायरस के लगातार खतरनाक होते संक्रमण को देखते हुए इंदौर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब इंदौर शहर में शुक्रवार तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन को शुक्रवार तक का बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बीसी के माध्यम से चर्चा की गई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर हित में जो भी उचित निर्णय हो वह आपदा प्रबंधन समूह ले सकता है। शुक्रवार शाम 6 बजे से प्रारंभ हुआ यह लॉकडाउन अब अगले शुक्रवार को ही समाप्त होगा। इससे पहले यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे समाप्त होने वाला था। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस संबंध में निर्णय लिए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान सुबह से 2-3 घंटे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट प्रदान की जाएगी। क्या ये जो 2 दिवसीय लॉकडाउन है 7 घंटे का, ये आगे बढ़ाया जाएगा? आज सीएम ने यहाँ का जो भी कोरोना की स्थिति है उसके बारे में चर्चा की और इंदौर में जिस प्रकार का कोरोना का संकट है इसकी एक बार लिंक टूटना चाहिए और इसलिए जो सोमवार तक लॉकडाउन था उसमें आगे के लिए हम लोगों ने सबकी सहमति से ये उनसे आग्रह किया है कि 7 बजे से 10 बजे तक सब्जी, दूध, किराना और दोपहर को कंट्रोल की दुकानें ये खुली रहें, दवाएं भी दिन भर खुली रहें और आगे कुछ समय के लिए हमको और स्वीकृति दी जाना चाहिए कि इस लॉकडाउन को हम 4-5 दिन तक आगे और बढ़ा सकें, क्योंकि इसको चेन को एक बार ब्रेक करेंगे तो जो गति बढ़ रही है उसको रोका जा सकेगा। दूसरी बात जो ऑक्सीजन वाली बात आती है, उस ऑक्सीजन के बारे में भी उन्होंने कहा कि कोई सप्लाई की कमी नहीं रहेगी और अन्य अन्य स्थानों के ऊपर बात कर रहे हैं तो आज भी ऑक्सीजन, कल भी ये हमारी जो डिमांड थी लगभग उतना प्राप्त हुआ था और ये आगे भी प्राप्त होता रहेगा। जहाँ तक ओपीडी वाला सवाल है तो जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं उसके अतिरिक्त जो बीमा हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी ओपीडी का काम प्रारंभ हो ताकि जहाँ कोविड का इलाज हो रहा है वहाँ ओपीडी की भीड़ न लगे, वो भी 4-5 स्थानों के ऊपर एक आध दूसरे दिन में ही प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो निर्णय लेंगे मध्य प्रदेश सरकार उसमें साथ में है और जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को पूरा करने में, उन दिक्कतों को दूर करने में हमारा हर प्रकार का सहयोग है। कब तक रहेगा लॉकडाउन, कितने दिनों का बढ़ा रहे हैं? शुक्रवार तक का विचार किया है और इसमें आवश्यक सब चीजें रहेंगी तो इसलिए लोगों को कोई बहुत परेशानी नहीं। उद्योग चालू रहेंगे, दूध चालू रहेगा, किराना चालू रहेगा, कंट्रोल चालू रहेगा, ये सारी जो आवश्यक दवाएं चालू रहेंगी। विद्युत सौदा को लेकर भी चर्चा हुई, काय के विद्युत सौदा क्या कुछ निर्णय सीएम महोदय के द्वारा? नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जो सदस्य हैं पूरे प्रदेश के जिलों के, उनसे वीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और उसमें यहाँ के भी सभी संबंधित सदस्यगण जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हैं वो लोग आज उसमें थे वीसी में और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत हुए, पूरे सभी सदस्यों संबंधित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं, किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है उस पर डिस्कशन डिटेल हुए और इसको ईज आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और ना बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और ना बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक ना हो उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया उन्होंने कि सब कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए हमको और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेट किया है पावर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को कि जो निर्णय शहर के हित में उचित लगे वो जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना निर्णय लेगा सरकार की उसमें सहमति रहेगी। लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें चर्चा करके अभी और क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी उसकी, पर ये मॉडलिटीज़ भी क्राइसिस मैनेजमेंट की थी कि सुबह 9 या 10 बजे तक किराना की दुकान, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स की दुकान जो कंट्रोल की दुकानें रहती हैं गरीबों को जो राशन मिलता है, सब्जी, अपनी दूध की व्यवस्था ये अपन चालू रखेंगे,
इसके बाद फिर दिन भर के लिए सभी दुकानें बंद रहेंगी और जिसको भी चाहिए आवश्यकता सुबह अपना 9 बजे तक 9:30 बजे तक ले ले और ये व्यवस्था और इसमें जुड़ी गई है ताकि किसी पर समस्या नहीं हो। इंडस्ट्री सभी चालू रहेंगी इसमें। लगभग कितने दिनों का ये हो सकता है बढ़ेगा लॉकडाउन? अभी तो मान के चलिए कि इस जो अभी 2 दिन का है ये 4-5 दिन तो मिनिमम बढ़ेगा अभी ये और फिर देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं। सर हमने 2 दिन का लॉकडाउन तो ले लिया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।